अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ ठीक हैं। सो फ्रेंड, ये है संडे व्लॉग और संडे का दिन है। संडे में मॉर्निंग का टाइम है यहाँ। एक्चुअली मॉर्निंग का टाइम नहीं है, ये लगभग 11-12 बजे का टाइम है। और ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिए थे हम लोग सब, और बच्चों को भी शावर वगैरह करा के मैंने और ब्रेकफास्ट करा के उन्हें पढ़ाने के लिए बैठा दिया है। एक्चुअली मैं अम्मी के यहाँ आई हुई हूँ, क्योंकि आप लोगों को दिख रहा होगा सब कुछ अलग अलग डिफरेंट। आप लोग सोचे होंगे कहाँ पर हूँ मैं, तो जी हाँ मैं अम्मी की तरफ हूँ और लगभग 2-3 दिन से अम्मी की तरफ हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ जो फंक्शन व्लॉग शेयर किए थे, शादी के व्लॉग शेयर किए थे, तो गाँव में आजकल शादियाँ चल रही हैं, तो मेरे मायके की तरफ ज़्यादा शादियाँ हैं, चाचा की तरफ और फूफी की तरफ, तो अम्मी की तरफ से ही होते हुए हम लोग जाते हैं, तो अम्मी ने मुझे यहीं रोक लिया था। तो बस आज जो है वो संडे का दिन है और शादियां वगैरह जो है, आज भी है एक शादी बट अम्मी जाएंगी, मैं घर पे रहूँगी और तबीयत मेरी सही नहीं है, इस वजह से जो है मैं शादी अटेंड नहीं करूँगी। तो अम्मी रेडी हो रही थी उधर साइड और चाय पीने का दिल हो रहा था सभी का, तो मैंने सोचा पहले चाय बना लें। तो यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी है और किचन की भी जो है वो साफ़ सफाई कर। तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है हमारी तरफ, बताइएगा आपकी तरफ मौसम कैसा हो रहा है? और यहाँ हमारी तरफ बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि मैं देख रही हूँ और काफ़ी वीडियोस भी देख रही हूँ, काफ़ी ब्लॉग्स भी देख रही हूँ, सभी लोगों की तरफ जो है बारिश हो रही है, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, बट हमारी तरफ अभी तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई है। गर्मी इतनी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ दुआ कीजिए कि हमारी तरफ भी जो है वो थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, थोड़ी बहुत, क्योंकि अभी जो है फसल की कटाई चल रही है, अभी ज़्यादा बारिश होना जो है वो किसानों के लिए बहुत परेशानी का सबब बन सकता है। तो ज़रा ज़रा सी बारिश हो जाए तो उतनी ही मौसम ज़रा सही हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत है। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर गर्मी की बातें हो रही हैं और गर्मी में जो है वो चाय बनाकर पी जा रही है, तो जी हाँ हमारी तरफ जो है यहाँ पर टी लवर्स हैं सारे और सभी को चाय ज़्यादा पसंद है। एक तरफ चाय रखी होती है और एक तरफ कोल्ड ड्रिंक रखी हुई होती है, तो चाय ही पसंद करेंगे सब लोग। और हस्बैंड को तो आप जानते ही हैं कि उन्हें चाय ज़्यादा पसंद है, और मेरे पापा को भी जो है वो चाय ज़्यादा ही पसंद है। तो बस सभी के लिए यहाँ पर चाय बनके है रेडी। और बताइएगा कि आप लोग चाय पीते हैं या नहीं, या आप लोग टी लवर हैं, कॉफ़ी लवर हैं, या कोल्ड ड्रिंक लवर हैं, आप लोगों को क्या चीज़ पसंद है? तो फ़िलहाल यहाँ पर चाय बन के रेडी है और सब लोग यहाँ वेट कर रहे हैं चाय का। चाय वगैरह पीने के बाद मम्मी रेडी होंगी जो है वो फंक्शन में जाने के लिए। और यहाँ यहाँ बच्चों की ये ज़रा देखिए शैतानियाँ, सो फ्रेंड संडे का दिन है और यहाँ पर मुझे बच्चों के लिए कुछ समर्स के कपड़े लेने थे, कुछ हल्के फुल्के कपड़े, स्लीवलेस जो है इस तरीके के, तो गर्मियाँ बहुत हैं तो उस वजह से जो है कपड़ों के लिए इस तरीके स्लीवलेस कुछ कपड़े लेने थे। तो बस हम लोग आए हैं, पहले मैंने सोचा कि संडे बाज़ार चलते हैं, क्योंकि संडे मार्केट काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं। तो लाइट कलर के कपड़े मैं चाह रही थी बच्चों के लिए, तो लाइट कलर के ही मैं यहाँ पर चूज़ कर रही हूँ, क्योंकि गर्मियों में जो है वो लाइट कलर ही अच्छा लगता है। बट काफ़ी देर तक घूमने के बाद भी हमें हमारी पसंद के कपड़े नहीं मिल पाए। एक्चुअली बहुत देर तक यहाँ पर घूमते रहे, मगर उस तरीके के कपड़े जिस तरीके से मैं चाह रही थी वैसे कपड़े मुझे नहीं मिले। फिर भी मैंने यहाँ पर केवल हसनैन के लिए जो है वो एक पेयर ले लिया था, ये स्लीवलेस टॉप है एंड हाफ पैंट, तो बस एक ही पेयर मुझे जब इतनी देर हो गई घूमते घूमते तो फिर लेना ही पड़ा। मैंने सोचा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया है यहाँ पर, तो ले ही लेते हैं कुछ ना कुछ।
तो यहाँ पर ये जो है लाइट कलर के ही मैंने लिए यहाँ पर, और मगर ढूंढे मैंने काफ़ी टाइम तक, मैं ढूंढती रही मगर नहीं मिल पाए मुझे। तो फिर मार्केट काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर, और जो मार्केट आज हम गए थे वो इतना हैवी नहीं लगा था और दुकानें भी बहुत कम थी, क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं और यहाँ पर जो है सब अपनी अपनी दुकानें छोड़कर आते हैं, यहाँ पर लगाते हैं दुकानें, दुकानें कम लगी हुई थी, इस वजह से मुझे उस तरीके के जो है कपड़े नहीं मिल पाए। बट मुझे लग रहा था कि संडे मार्केट में जिस तरीके के कपड़े मैं ढूंढ रही हूँ वो मिल ही जाएंगे मुझे, क्योंकि काफ़ी अच्छी मार्केट लगती है। और आपके साथ भी मैंने शेयर की है संडे मार्केट की शॉप्स, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर ज़रूर चेकआउट करें, बहुत अच्छी संडे मार्केट लगती है और सारा सामान जो है वो बहुत कम दामों में और रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है, बट हमें नहीं मिल पाया इस बार। सो यहाँ पर मैं आ गई थी वी मार्ट सीधे, फिर हम लोग मार्केट में ज़्यादा नहीं घूमे थे, सीधे जो है ये वी मार्ट में आए थे और यहीं से मैं शॉपिंग करती हूँ। अगर मुझे बाहर की शॉप्स पसंद नहीं आती हैं सीधे वी मार्ट आती हूँ मैं। वी मार्ट है और इंडिया बाज़ार है हमारी तरफ, काफ़ी अच्छी और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है यहाँ के कपड़ों की। तो अगर आप यहाँ पर आएँ कभी बदायूं में और कभी आना हो तो यहाँ से शॉपिंग ज़रूर करें, माशाल्लाह से बहुत अच्छी, बहुत प्राइस भी ठीक होता है यहाँ पर और क्वालिटी, सबसे अच्छी बात जो है वो क्वालिटी होती है कपड़ों की, तो क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आशी के लिए देख रही हूँ, क्योंकि हसनैन के लिए मैंने वहाँ से ले लिया था एक जोड़ी, फिर मैंने सोचा पहले आशी के लिए ले लूँ, नहीं तो हसनैन के लिए अगर ले जाऊँगी और फिर आशी के लिए नहीं ले जा पाऊँगी तो फिर वो नाराज़ हो जाएगी। तो समर कलेक्शन आया हुआ है यहाँ पर वी मार्ट पर और बहुत ही अच्छा जो है समर कलेक्शन यहाँ पर मुझे लगा, कपड़े भी काफ़ी अच्छे थे, लाइट कलर के थे ज़्यादातर। और ये देखिए मैंने इस तरीके के कपड़े जो हैं वो चूज़ कर रही थी बच्चों के लिए, तो स्लीवलेस हो, कंफर्टेबल हो, क्वालिटी भी अच्छी हो और मटेरियल अच्छा हो कपड़ों का। तो फ्रेंड्स शॉपिंग वगैरह करने के बाद, बच्चों के थोड़े बहुत जो है वो कपड़े लेने के बाद मैं आ गई थी घर पर, और यहाँ मम्मी डैडी भी जाने के लिए बस हमारे वेट कर रहे थे और उधर मम्मी रेडी हो रही हैं, डैडी बस रेडी होने से जेंट्स को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो डैडी भी बैठे हुए हैं फटाक से रेडी होकर ये लोग जो है वो जाएंगे। सो यहाँ पर मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखा रही हूँ, इस तरीके के मैंने ये जो है कपड़े लिए हैं, बताइएगा कैसे लग रहे हैं। बिल्कुल कम्फर्टेबल हैं, हल्के फुल्के स्लीवलेस मैंने यहाँ बच्चों के लिए कपड़े लिए हैं और गर्मियों में ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं। और बच्चों के खाने पीने की कुछ चीज़ें ली थी। सो बस यही था मेरा आज का व्लॉग, और व्लॉग पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।